अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 10, दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, केमिस्ट्री क्लास 10th। कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से सुना होगा, उसको अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो उसका दूसरा पॉइंट था प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि हमें इक्विलिब्रियम, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक हुआ है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये हमारा पेपर में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर आपको बुक में ही उसके पहले पैराग्राफ में ही मिलेगा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, क्या थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, या दरमियानी क्वांटिटी में ना बहुत ज़्यादा ना बहुत थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं और इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। आपको यहाँ पर ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी, हम जब ये कह रहे हैं कि थोड़े रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं या प्रोडक्ट में या ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। पहले लेक्चर्स में ये बात कर चुके हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब मज़ीद रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आती, एक ऐसा वक्त आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, तो उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त की हम बात कर रहे हैं कि क्या उस वक्त तक इक्विलिब्रियम अचीव हो, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इन फैक्ट इट मेयर्स हाउ फार आ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, कि ये हकीकत में हमें ये बताता है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले रिएक्शन कितना प्रोसीड करता है, क्या थोड़े रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में या ज़्यादा। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिएक्शन के प्रोसीड होने की तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी वेरी लार्ज होगी, या वेरी स्मॉल होगी वैल्यू ऑफ के सी, या फिर वैल्यू ऑफ के सी ना तो बहुत लार्ज होगी और ना ही बहुत स्मॉल होगी। तो पहला जो हम पॉइंट देखने जा रहे हैं, दैट इज़ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। अगर के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए, लार्ज हो, तो उसका क्या मतलब है, वो क्या इंडिकेट करेगा? वो ये इंडिकेट करेगा कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स आर मिनिमम, प्रोडक्ट्स आर मैक्सिमम। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है बहुत थोड़े से रिएक्टेंट बचे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव होते होते ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखें, एक हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन देखें तो वो हमारे पास आएगा CO2 और उसकी पावर 2, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, CO इसके भी यहाँ पर हमारे पास 2 पावर बनेगी और O2 के साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ पर एक ही है जिसकी पावर 1। तो जब इनकी कंसंट्रेशंस को चेक करने के बाद जब इनकी वैल्यूज़ पुट की गई इस फार्मूला में, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी आई एट 100 केल्विन टेम्परेचर, दैट वाज 2.2 मल्टीप्लाई 10^22। अब 2.2 मल्टीप्लाई 10^22 एक बहुत बड़ी रकम है, इसका मतलब होगा 22000000, इस तरह से 21 जीरो आए के साथ में, तो बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। इस बहुत बड़ी वैल्यू होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इनकी कंसंट्रेशन कम है, तभी तो के सी ज़्यादा आया। के सी की वैल्यू कब ज़्यादा आएगी? जब ये जो नॉमिनेटर है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा और CO और O2 की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो के सी की वैल्यू क्या ज़्यादा आएगी। तो के सी की ज़्यादा वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स बच चुके हैं। तो इस तरह से हमें बता रहा है ये लार्ज वैल्यू ऑफ, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी
ये बता रहा है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स आर मिनिमम एंड प्रोडक्ट्स आर मैक्सिमम, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन। देखिए, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते, ये सारे रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते और प्रोडक्ट्स बन जाती, तो हम कहते हैं रिएक्शन कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ रिएक्शन कम्प्लीट तो नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास सपोज करें कि 100 मॉलिक्यूल्स इनके हैं तो 98 कन्वर्ट हो जाएंगे और दो ही सिर्फ यहाँ पर पीछे बचेंगे और फिर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर रिएक्शन है वो कंप्लीट होने के करीब पहुँच जाता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये था। दूसरा है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी क्या इंडिकेट करता है? स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट करता है कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल आए, तो उसका मतलब है वेरी लेस रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा थे, थोड़े से रिएक्टेंट, चंद एक रिएक्टेंट जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन हमारे पास है अमोनिया के, अगर हम 2 मोल्स लें तो उनका रिएक्शन जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो N2 और H2 बनते हैं। अगर इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो केसी कम्स आउट टू बी N2 H2, H2 के साथ 3 मोल्स हैं तो उसकी पावर 3 बनेगी, और रिएक्टेंट हमारे पास नीचे होते हैं, यहाँ पर उसके 2 मोल्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2। जब इनकी वैल्यूज़ पुट की जाती हैं, कंसंट्रेशन की वैल्यूज़, जब अब यहाँ पर देखें, अगर इनकी वैल्यूज़ NH3, H2 और N2 की वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो केसी की वैल्यू आती है 3.0 × 10⁻¹9। बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, ये कम है। तो इसके काम, ये कब काम आएगा, केसी कब काम आएगा, जब N2 और H2 कम होंगे और NH3 ज़्यादा होगा, तभी केसी की वैल्यू कम आएगी। N2 और H2 कम है, इसका मतलब है ये कम है और NH3 ज़्यादा है। NH3 ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो अमोनिया के NH3 के थोड़े से मॉलिक्यूल इनमें कन्वर्ट हुए और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, NH3 की क्वांटिटी ज़्यादा थी, N2 और H2 की क्वांटिटी कम थी, तभी केसी की वैल्यू कम आई। तो केसी की वैल्यू अगर कम आएगी तो ये इंडिकेट करेगा कि बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, और सच रिएक्शंस नेवर गो कम्प्लीशन, ऐसे रिएक्शन कभी कम्प्लीट नहीं होते। तो ये थी दूसरी पॉसिबिलिटी। अब चलते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी बहुत स्मॉल है, ना ही लार्ज है, दरमियान में है, इंटरमीडिएट है। उसका क्या मतलब है, एग्जांपल देखें, हमारे पास है N2 और N2O4, इसकी डिकम्पोजिशन से NO2 बनता है। अगर इसकी केसी की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट वाली साइड नीचे, प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर, 2 मोल हैं साथ में, 2 इसका 1 मोल है, तो पावर 1। केसी की वैल्यू आती है 0.211। अब ये तो वैल्यू ना बहुत स्मॉल है, जैसे था −9 थी, 10⁻¹9, और ये ना वैल्यू बहुत लार्ज है, जैसे 10⁻²² था पिछले रिएक्शन में। तो ये वैल्यू केसी की ना बहुत ज़्यादा लार्ज है, ना बहुत स्मॉल है। तो ये कब बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, जब इनकी वैल्यूज़ करीब करीब होंगी। तो इसका क्या मतलब होगा, ना तो NO2 बहुत ज़्यादा है, ना ही N2O4 बहुत ज़्यादा है, तो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, कि ना तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, ना प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, दोनों की जो अमाउंट्स हैं वो एक दूसरे के कंपेरेबल हैं। तो ये इंडिकेट कौन करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। तो हमने 3 बातें पढ़ी आज, केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो इसका मतलब होगा कि ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी बहुत स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल का मतलब होगा कि थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम है एट इक्विलिब्रियम। और अगर केसी की वैल्यू इंटरमीडिएट होगी तो ना रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगी, दोनों की अमाउंट्स एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। तो ये हमें कौन बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। सो इट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इट हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हमें बताता है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। और दूसरी बात हमें ये बताता है क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, कम है, या कंपेरेबल है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कम्प्लीट हुआ। चैप्टर 1 के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो अगर बच्चों, तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जो कि क्या है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के है वाले से है, उसमें थोड़ी इक्वेशन ज़्यादा हैं, तो वो आप लोगों को बहुत कीनली उनको समझना होगा और इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।